हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी से और टेस्टी से लड्डू की रेसिपी, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो इस तरीके के लड्डू तो बनाना बनता है, और ठंड का मौसम है तो ये आपको ठंड से भी बचाएंगे, और जैसे सर्दी वगैरह लग जाती है तो इस तरीके से भी ये बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें मैं सौंठ का यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, ये मैंने ले ली है 2 चम्मच सौंठ, साथ में ये मैंने ले लिए हैं बादाम बारीक बारीक, इनको मैंने कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो पीस सकते हैं, लेकिन मैंने इनको छोटा छोटा काट लिया है क्योंकि इनका जो क्रंच है वो बहुत अच्छा लगता है। साथ में मैंने काजू ले लिए, इनको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। ये मैंने ले ली है गोंद, या कुछ लोग इसे कनी भी बोलते हैं वो, और ये मैंने ले ली है 1 कटोरी के करीब बूरा, साथ में 1 कटोरी के करीब आटा, और ये मैंने ले लिया है घी। तो इन सारी चीज़ों से ही मिलकर ये लड्डू तैयार होंगे। आप चाहें तो इसमें गोला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इतनी ही चीज़ों से बना रही हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं ये लड्डू खाने में, और सर्दियों की तो जान है ये, समझिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। देखिए, मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं डाल दूंगी ये आटा, और इसको स्लो फ्लेम पर हमें लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनना है, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। लेकिन फ्लेम हमें बहुत स्लो ही रखना है, अगर हम हाई कर देंगे तो फटाफट से ये हो जाएगा, लेकिन इस काम में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसके लिए पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इसको बहुत आराम आराम से करना है स्लो फ्लेम पर, क्योंकि इस चीज़ में टाइम लगता है और तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है। इससे एक सौंधी सी खुशबू आने लगती है, इसलिए स्लो फ्लेम पर इसे भूनते रहना है। तो चलिए अब हम इसे भूनते हैं। इसको भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, तो इससे एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है और हल्का सा इसका कलर भी चेंज होने लगा है। और आप देख सकते हैं कि मैं इसे लगातार चला रही हूँ, क्योंकि इसका मेन काम इसे चलाना ही है। सबसे ज़्यादा टाइम इस आटे को भूनने में ही लगता है। अगर हम फ्लेम बहुत हाई कर देंगे तो ये फटाफट से भून तो जाएगा, लेकिन उतना अच्छा टेस्ट इसका नहीं आता है, ये एकदम से जल जाएगा। जो हल्का सा इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर आता है वो स्लो फ्लेम पर भूनने से ही आता है। तो चलिए, मैं अपनी जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रखती हूँ। इधर आप देख सकते हैं कि इसका कलर बहुत चेंज हो चुका है पहले से, बस 2-3 मिनट और इसको भूनते हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, बस 2-4 मिनट और इसको मैं भूनूंगी, उसके बाद हम फिर गैस बंद कर देंगे। इधर देखिए, लगभग भूनकर तैयार है, इसका कलर बहुत अच्छा आ चुका है। तो बस अब मैं गैस बंद कर दूंगी, लेकिन इसको हमें 1-2 मिनट चलाना है, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है इसलिए जल सकता है। मैंने ये कढ़ाई ले ली और इसमें मैंने ले लिया है देसी घी, और इसमें मैं डाल दूंगी ये कनी, और इसको हमें भूनना है। कुछ देर में ही ये बहुत अच्छे से भून जाती है, तो बस इस तरीके से ही हमें इसे निकाल लेना है। वापस से हमें डालनी है और फिर से हमें ऐसे ही निकाल लेना है, फटाफट से भुन जाती है ये। इधर देखिए, ये भुन कर तैयार है अच्छे से। कि मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें मैं डाल दूंगी आटा जो हमने भूना था, इसके साथ ही ये बूरा, थोड़ी सी मैंने बचा ली है, मुझे थोड़ी ज्यादा लग रही थी, और साथ में ये देशी घी, घी भी मैंने डाल दिया है। अब डालेंगे हम ये बादाम, काजू, सॉल्ट, और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये गोंद,
या कनी। और अब सारी चीजों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। बाकी की ये जो बची हुई बूरा है इसे भी हम डाल देंगे और इसे भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब ये गरम है तो फटाफट से बस अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। जितना बड़ा छोटा जैसा हमें बनाना है उस हिसाब से आटा लेंगे। और देखिए इस तरीके से ही दबा दबा कर हमें बना लेने हैं। बहुत ज्यादा बड़े नहीं बना रही हूँ मैं, मीडियम साइज के ही बना रही हूँ। तो देखिए कितना परफेक्ट हमारा लड्डू बनकर तैयार है। और इस तरीके से ही हम मिक्सर लेंगे और एकदम परफेक्ट से लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। बहुत आराम से बन जाते हैं। अगर ये बंधे ना आपसे, मतलब बने ना, तो इसमें थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं। मैंने जितना भी था उसको डाल लिया है मेल्ट करके। तो देखिए देखिए हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हैं। तो लग रहे हैं ना एकदम मजेदार से। तो चलिए चलते हैं अब इन्हें सर्व करने की प्रोसेस में। तो देखिए हमारे बहुत ही टेस्टी से, हेल्दी से ये लड्डू बनकर तैयार हैं। ये गोल मटोल से लड्डू देखने में भी लग रहे हैं ना बहुत मस्त, और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और सर्दियां चल रही हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी क्योंकि इसमें मैंने सौंठ वगैरह का यूज़ किया है, तो ये बहुत अच्छे होते हैं सर्दियों में। वैसे भी ऐसी चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना, आपको पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो और रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।